जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित एसडीएम को सौंपा 43 सूत्री ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता तहसील प्रांगण पहुँचे। तहसील प्रांगण पहुँचने से पहले कार्यकर्ता सिधौली कस्बे के डाक बंगले पर एकत्र हुए थे, जहां पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया था। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट के प्रदेश संरक्षक सुरेश प्रताप सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के पश्चात सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पैदल कूच किया। प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित सिंह तथा प्रदेश संरक्षक सुरेश प्रकाश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील सिधौली के प्रांगण में पहुंचकर उप जिलाधिकारी सिधौली को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान प्रदेश संरक्षक सुरेश प्रताप सिंह ने क्या जानकारी दी, अब हम यह आपको सुनाते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, क्यों हुए हैं इकट्ठा? क्षेत्रीय किसानों की समस्याएं हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रशासन हिला हवाली करता है, जिसके कारण किसानों की समस्याओं को लेकर 43 सूत्री ज्ञापन लेकर हमको आज यहाँ सीएम साहिबा के पास आना पड़ा है, जो जिलाधिकारी महोदय के सामने। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु प्रसिद्ध विद्युत समस्या है, आवारा पशु हैं और ग्राम समाज की भूमि पर जबरदस्त लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण है। बगैर धारा 80 के लोग प्लाटिंग कर रहे हैं और राजस्व की हानि हो रही है, ये मुख्य बिंदु। कौन से संगठन से किसान इकट्ठा हुए? मैं प्रदेश संरक्षक सुरेश प्रकाश सिंह, भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन। कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी सिधौली राखी वर्मा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या रखे गए, यह जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित सिंह ने दी। इस दौरान उन्होंने क्या बताया, अब यह आप सुनिए। आज किन बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया और किसे दिया गया? ज्ञापन संबोधित जिलाधिकारी महोदय को है और द्वारा जो है उप जिलाधिकारी महोदय सिधौली को दिया गया है। किसानों की नियमित समस्याएं हैं, जिनपे उनको जो है समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। प्रशासन का ढीला रवैया के चलते आज जो है किसान संगठन की तरफ से जो है ज्ञापन दिया गया है और इसमें ज्ञापन में एक जोड़ दिया गया है, अगर 25 तारीख तक समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो दोबारा 25 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को नोटिस देकर किसान यूनियन धरना करने पर बाध्य होगा। कितने सूत्री ज्ञापन है? 43 सूत्री ज्ञापन है हमारा। मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु छुट्टा गोवंश से जो है फसलें बर्बाद हो रही हैं, रोडों पर दुर्घटनाएं में वृद्धि हो रही है और हमारा पशु भी चोटिल हो रहा है। इस समय मुख्य बिंदा बीमारी से लेकर है पैथोलॉजी पर अप्रशिक्षित लोगों द्वारा जो है जांचें की जा रही हैं, जांचें सही न किए जाने के कारण पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है और पैथोलॉजी पे दर रेट बाहर नहीं लगाया गया है, जिससे किसी से 100 रुपये, किसी से 200 रुपये, एक जांच के कई दरों पे जो है शुल्क लिया जा रहा है। मुख्य बिंदु इस प्रकार से। तो आपने देखा कि रोहित सिंह ने बताया कि 43 सूत्री ज्ञापन के मुख्य मुद्दे कौन कौन से हैं। इसी के साथ किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने ज्ञापन के बाद क्या चेतावनी दी, यह भी आप सुनिए। ज्ञापन में दी हुई मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा किसान यूनियन? 25 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया है, अगर उप जिलाधिकारी महोदय 25 तारीख तक हमारा ज्ञापन का निस्तारण नहीं करेंगे तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत बड़ी पंचायत सिधौली में करेंगे, क्योंकि सबसे समस्या ये है गौवंश वाली, क्योंकि अभी अटरिया क्षेत्र में एक वृद्धा की मृत्यु हो गई है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और ये जो वायरस चल रहा है बुखार, इस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन में भी अवगत करा दिया है और ये समस्या का अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम लोग 25 तारीख के बाद विशाल धरना प्रदर्शन और पंचायत के लिए। नाम आपका? राजेश यादव, जिला अध्यक्ष सीतापुर। जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि अगर दिए हुए नियत समय में कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी करेगा।
जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय शासन व प्रशासन की होगी। इस मौके पर जिला प्रभारी आशीष कुमार सिंह, नील कुमार सिंह, राजेंद्र रावत, मोहित सिंह, कमला देवी, शांति दुर्गेश सिंह, शिवानी यादव, सर्वेश अवस्थी, संदीप मिश्रा, मालती शरता कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सिधौली से मोहम्मद वैश तथा हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।